कुछ नहीं, तुम्हें देखो एफिशिएंसी चेक करने के लिए दो तरीके बताए क्लॉक रखनी है तुमको, एक एक तुम्हारी रियल क्लॉक होगी, ये होती ना क्लॉक इसमें, और एक वर्चुअल होगी। वर्चुअल मतलब वर्चुअल वाली भी एक्चुअली में तो रियल क्लॉक है, तुम नाम दे रहे हो ना, तुम दो रियल क्लॉक ले रहे हो ना, बस तुम नाम दे रहे हो, एक वर्चुअल बोल देते हो तुम एक को, और कैसे बनती है, ऐसी होती है। तो दो क्लॉक ले लिए ना तुमने, एक में रियल क्लॉक है एक वर्चुअल क्लॉक है ना। तुम एक्चुअली बताइए, ये पता करना है कि तुम अगर बैठे 5 घंटे, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम दिन भर में 5 घंटे पढ़ने के लिए बैठते हो, मतलब ऐसा तुमको लग रहा है कि तुम 5 घंटे पढ़ने के लिए बैठ रहे थे, पर एक्चुअली में कितना पढ़ते हो वो तुम्हें फिगर आउट करना है। तो तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक दो दिन करना पड़ेगा, और तब तक करते रहना है जब तक तुम्हारी एफिशिएंसी 70% के अराउंड ना पहुंच जाए। ये मतलब डिसेंट होती है 70% के अराउंड एफिशिएंसी। तो कैसे करेंगे देखो इसको, ये दोनों क्लॉक तुमको रख लेना है ना। अब तुम्हें दो रियल क्लॉक की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल होते हैं मोबाइल में स्टॉपवॉच होती है ना, एक मोबाइल ले लेना, एक क्लॉक लेना, या फिर जो भी तुम्हारी अवेलेबिलिटी है ना, जिस भी हिसाब से है तुम्हारे पास, बस स्टॉपवॉच होनी चाहिए हमारे पास। तो तुम पढ़ने बैठे ना, जब पढ़ने बैठोगे तो तुम क्या करोगे, दोनों की दोनों वॉच को चला दोगे, ठीक है। जब तक तुम पढ़ रहे हो दोनों वॉच चलती रहेंगी। अब क्या है, बात है कि जब तुम ब्रेक लोगे तब क्या करोगे। अब कोई भी तुम ऐसा ब्रेक ले रहे हो जो तुमने कितनी देर से ज़्यादा कर लिया है, 15 मिनट से ज़्यादा के ना, और 10 मिनट मान लो उन्हें सेफ साइड है ना, 10-15 मिनट। अगर 10-15 मिनट से ज़्यादा का तुम ब्रेक ले रहे हो, अभी के लिए हम 15 मिनट बोल के चलते ना, अब हर एक के लिए अलग अलग होता है, 15 मिनट मान के चलते ना। अगर तुमने एक ब्रेक लिया, कोई भी ब्रेक लिया जो 15 मिनट से ज़्यादा का है, तो तुम क्या करोगे, दोनों वॉच को बंद करके चले जाओगे, ठीक है। तुमने कहा अब ठीक है पढ़ लिया, थोड़ी देर में घूम के आ रहा हूँ, या फिर ऐसे ही कुछ भी करना है ना, रेस्ट लेना है, कुछ भी कर रहे हो ना, 15 मिनट से बड़ा कोई भी ब्रेक लोगे तुम, चाहे 15 मिनट का लो, चाहे 1 घंटे का लो, चाहे 2 घंटे का लो, तुम दोनों वॉच को बंद करके चले जाओगे, ठीक है। ये संडे को करना जब आराम से सुबह से पढ़ने को बैठते हो, ठीक है। पर तुम क्या करोगे, अगर तुम कोई भी ऐसा ब्रेक ले रहे हो जो 15 मिनट से छोटा है और से आधे मिनट से बड़ा है, कोई भी ब्रेक जो आधे मिनट से बड़ा है ना, कुछ भी छोटा सा भी काम करने तुम चले गए, तुम 1 मिनट के चले गए, 2 मिनट के चले गए, 3 मिनट के चले गए, ऐसा कोई भी तुमने छोटा ब्रेक लिया है जो 15 मिनट से कम का है, तो 15 मिनट से कम वाले ब्रेक में तुम क्या करोगे, रियल क्लॉक को क्या कर दोगे, बंद, पर वर्चुअल क्लॉक को क्या रखोगे, चालू। आया क्या समझ में? अच्छा, ये क्लॉक कब बंद करोगे बताओ, ये कब स्टॉप करेंगे, जब ब्रेक कितनी देर से ज़्यादा है, जब 15 मिनट से ज़्यादा का ब्रेक होगा तभी इसको बंद करेंगे, वरना नहीं करेंगे, है ना। और ये वाले कब बंद करेंगे, नहीं ये 15 मिनट नहीं, ये आधा मिनट, 0.5 मिनट है ना, जब भी आधे मिनट से बड़ा कोई भी ब्रेक लोगे तो इस क्लॉक को बंद कर दोगे। और इस क्लॉक को कब बंद करेंगे, जब तुम्हारा ब्रेक किससे ज़्यादा का होगा, 15 मिनट से ज़्यादा का होगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब तुम बैठते हो पढ़ने के लिए, तुम संडे को बैठे, तुमने कहा कि भाई बढ़िया 8 घंटे के लिए बैठगा, 8 घंटे का टारगेट है, मैं 8 घंटे बैठ के बढ़िया पढ़ाई करूँगा ना, तो होता है कि हमको लग रहा होता है कि हम 8 घंटे पढ़ रहे हैं। हमारा दिमाग इस तरह से होता है ना कि हम जो छोटे मोटे ब्रेक लेते हैं ना, हम उनको मानते ही नहीं है वो ब्रेक, वो तो मैं थोड़ी सी देर के लिए गया था, 4 मिनट 5 मिनट, उसको हम ब्रेक मानते ही नहीं है, उसको तो हम बताए पढ़ाई के टाइम में हम अपना काउंट कर रहे होते, भाई ये तो मैं पढ़ा हूँ इतने समय तो। और ऐसे बहुत सारे ब्रेक हो जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता, समझ रहे हो। इसमें वो ब्रेक भी है, तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब तुम बैठ गए 2 मिनट के लिए, ऐसे ही बैठ जाते, रुक जाते भाई, थक गए, अब दिमाग थक गया, 2 मिनट ऐसे बैठ गए, 5 मिनट और, तो पता नहीं कितना टाइम, आधे आधे घंटे बैठे रह जाते हैं, मम्मी पापा को लग रहा है हम पढ़ाई कर रहे हैं, बैठ गए। तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है ना, तो वो जब भी तुम ऐसा करते हो ना, तो उस समय हमेशा क्या करना है, तुम्हें रियल क्लॉक को बंद कर देना। रियल क्लॉक वो है जो तुम्हारा एक्चुअल टाइम बता रही है जो तुम पढ़ रहे पढ़ते हो, और वर्चुअल क्लॉक वो है जो तुम्हें अभी तक लगता है जितनी देर तुमने पढ़ाई करी, है ना, समझ में आ रहा है क्या? मतलब तुम उन ब्रेक्स को काउंट ही नहीं करते हो, तुम तो तभी मानते, हमारा दिमाग जनरली तभी मानता है कि मान लो तुमने 15 मिनट से ज्यादा का ब्रेक लिया, तो मानते हो कि तुमने उतनी देर पढ़ाई नहीं करी, पर 15 मिनट से छोटे के जितने भी ब्रेक तुम दिन भर में लेते हो, तुम उनको तो पढ़ाई में काउंट कर रहे हो, समझ रहे हो। तो वो तुम्हारा अभी का टाइम बताएंगे कि अभी तुमने कितनी देर पढ़ा, और ये तुम्हारा बताएगा कि रियल में तुम कितना पढ़े। ये वो है जो तुम्हें लगता है जितनी इस क्लॉक में जो टाइम आएगा, मान लो इस क्लॉक में आ गया 8 घंटे, मान लो ना तुम बैठे आराम से 9-10 घंटे बैठे, उसमें से तुमने ब्रेक ब्रेक लेके बंद करा था, तुमने देखा कि भाई ये क्लॉक दिखा रही है कि तुम 8 घंटे पढ़े हो, ठीक है मान लेते हैं ना, इसका इधर पे आउटपुट हमारा आ गया, आउटपुट आया 8 आवर्स का, कौन सी क्लॉक में, वर्चुअल क्लॉक में, और रियल क्लॉक में आउटपुट क्या आया हमारा, तुमने देखा सिर्फ मान लो 6 आवर आया आउटपुट, ये तो बहुत ज़्यादा बता दिया, असली में 4 घंटे निकलेगा, 3 घंटे 5 घंटे ऐसा आउटपुट निकलता है,
करके देखना है ना, पहली बार जो करते हैं जिनकी दिक्कत है, तो तुम्हारी परसेंटेज एफिशिएंसी बताओ क्या हो जाएगी। तो तुम समझ गए ना, रियल क्लॉक बाय वर्चुअल क्लॉक इंटू 100%। तो कितना हो गया भाई इस केस में बताओ, कितना हो गया 6/8 × 100। तो इस केस में तुम्हारी आ गई 75%। ये तो बहुत ही अच्छी, अगर इतनी एफिशिएंसी आ गई तो बहुत सही है। 70% 75% इतने तक तो पहुंच गए तो बहुत अच्छा, अगर इससे भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो तो और अच्छी बात है, वरना ये सेफ साइड होता है ना 75%। पर तुम असलियत में जब हम करते ना तो 4 आवर के अराउंड आएगी। तुम्हें लग रहा है तुम बहुत पढ़ते हो, तुम 8 घंटे बोलते हो पर पढ़े सिर्फ 4 घंटे रहे हो, ठीक है। तो जब तुम एक बार अपनी एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे, अगर इससे कम आ रही है तुम्हारी 75% से ज़्यादा, तो तुम्हें पता है अब तुम्हें इंप्रूव करना है। अगली बार जब पढ़ोगे फिर से ये रख के बैठना, और अब क्या ध्यान रखना कि भाई मुझे नहीं करना है टाइम बर्बाद। ये 15 मिनट से छोटे छोटे के जितने भी ब्रेक्स होते हैं जो छोटे छोटे बर्बाद करते हैं, उनमें समय बर्बाद नहीं करना। इनमें बहुत सारे ऐसे होंगे ब्रेक्स जिनको तुम अवॉइड कर सकते हो जो ज़रूरी नहीं है, और जो भी चीज़ ज़रूरी नहीं है जितने भी रिडंडेंट हैं उनको हटा दो, अपने आप धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़नी पड़ेगी। इतने ले आओ, 75% पे एफिशिएंसी लेके आ जाओ, बहुत है। आया क्या समझ में सबको? ये वो टाइम है जो तुम एक्चुअल में पढ़े हो, ये वो टाइम है जो तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये जो तरीका है इससे एक सर्टेन टाइप ऑफ एफिशिएंसी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा एक एफिशिएंसी और है जिसको तुम मेज़र नहीं कर सकते इस तरह से ना, वो एफिशिएंसी क्या है? अभी वर्चुअल क्लॉक वाला भूल जाओ, ये भूल जाओ। अब तो तुम मान लो तुम जो भी टाइम बताए मानते हो, तुम आप बोल रहे हो, मान लो तुम 8 घंटे बैठते हो, पर तुम खुद भी बोल रहे हो कि मैं 6 घंटे पढ़ता हूँ। तुम्हें पता है, तुमने ये मेथड कर लिया, तुम्हें पता है जब तुम 8 घंटे पढ़ने को बैठते हो तो तुम एक्चुअली में 6 घंटे पढ़ते हो, तुम मान रहे हो, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो कि सर मैं बताया रोज 6 घंटे पढ़ता हूँ, तुम ये नहीं बोलोगे 8 घंटे पढ़ रहा हूँ। तुम बैठ 8 घंटे रहे हो पर पढ़ाई तुम्हारी 6 घंटे होती है, ये बात तुम्हें पता है, तुमने कैलकुलेट कर ली, और इससे ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रही, तुम 75% पे पहुँच गए और ये सही है, ठीक है, डिसेंट है। तो अब तुम बोलते हो कि सर हमें 6 घंटे पढ़ते हैं, अब फिर भी होमवर्क नहीं होता। अभी होता है ना, बहुत से लोग होते हैं भाई दिन भर पढ़ रहे होते फिर भी होमवर्क नहीं होता, और कुछ ऐसे भी होते हैं भाई 4 घंटे पढ़ लेते हो पूरा होमवर्क वगैरह सब कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर खेलते भी मस्ती मारते रहते हैं। बहुत से होते हैं ऐसे बच्चे हैं ना, बहुत जल्दी होमवर्क कर लेते हैं, या फिर वो इतना कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए सिर्फ एससी वर्मा करना अकेला भी मुश्किल हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे एससी वर्मा भी कर लेंगे, प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे, उसके अलावा और भी एक दो बुक उठा के सॉल्व कर लेते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं, तो फिर फ़र्क कहाँ आ रहा है? मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गॉड गिफ्टेड हो गए, बहुत ही ज़्यादा जीनियस हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत शार्प हो सकता है, हो सकता है उनका ब्रेन तुमसे थोड़ा ज़्यादा शार्प हो, ये चीज़ हो सकती है, पर सिर्फ ये नहीं होता। बोलो, कहीं ना कहीं अपने आप को इतना ज़्यादा डिसिप्लिन कर लेते हैं, अपने दिमाग को इतना ज़्यादा ट्रेन कर लेते हैं कि वो बर्बाद होने ही नहीं देते। मेन रीज़न ये होता है कि वो मेंटली आलसी नहीं होते। देखो, इनर्शिया होता है ना हर एक चीज़ का होता है, एक तो फिजिकल वाला होता है वो एक अलग चीज़ है, कि मेंटल भी होता है ना, दिमाग ज़्यादा लगाने में मन नहीं करता। देखो, होता क्या है कि घर पे जो तुम पढ़ रहे होते हो, घर पे जो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, मैं मेंटल इनर्शिया समझा रहा हूँ ना क्या होती है, मेंटल लेजीनेस क्या होती है। एक तो हम घर पे पढ़ते हैं, दूसरा जब तुम एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। अब एग्ज़ाम में तुम उस 3 घंटे में ही तुम इतना ज़्यादा, हर एक का दिमाग इतना ज़्यादा तेज़ चल रहा होता है, तुम मतलब धड़ाधड़ तुम्हें करने ही है, 1 घंटे में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने, तुम्हें मेंस अगर दे रहे हो तो तुम पूरी जान लगा के पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सॉल्व कर रहे होते हो उस वक्त जब तुम एग्जाम में बैठे होते हो। और वही तुम घर पे जब 1 घंटे पढ़ाई कर रहे होगे तो सोचो कैसे पढ़ते हो, फिर तो आराम से चल रहा, 1 क्वेश्चन हो गया, आंसर देखा गलत, अच्छा फिर सही करा, चलो फिर आराम से बैठ के 1 क्वेश्चन हो गया, घूम फिर के आ गए, पानी पी लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे चलता रहता है, आराम से पढ़ाई चल रही मज़े में ना, वही मूवी जैसे चलती है कि आराम, मतलब कम्फर्ट जोन में, मतलब मज़ा आना चाहिए पढ़ने में भी, है ना, मतलब मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, पर इतना टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। अब ये सब तुम काउंट तो तुम्हारे रियल में ही आ रहा है, कहने के लिए तो 6 आवर ही हो रहा है। अब जो तुम एक्चुअली में जो तुम स्टडी कर रहे हो जिस टाइम में, उसमें भी एक अलग तरीके की एफिशिएंसी जो तुम इंक्रीज कर सकते हो, वो तुम मेंटल जो इनर्शिया है, मेंटल लेजीनेस है, उसको कम करके कर सकते हो। अब इस 6 आवर है, अब यही विंडो बची है तुम्हारे पास, 8 घंटे बैठते हो, पढ़ाई एक्चुअली 6 घंटे होती है, अब इस 6 घंटे में जो एक्चुअल पढ़ाई हो रही है उसमें भी तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस और जो तुम पढ़ रहे हो, जो रिवाइज कर रहे हो, उसको बढ़ा सकते हो, अगर तुम मेंटल अलर्टनेस बढ़ा दो, अपने बताएं एक्टिवनेस बढ़ा दो दिमाग की, जिस तरह से अगर एग्जाम में सॉल्व करते हो, अगर एग्जाम में ये एफिशिएंसी मेंटेन कर रहे हो तो घर पे इतनी मेंटेन कर लो, वो भी बहुत है, पर तुम आधे से भी कम रखते होगे। ये वाली बात मैंने पहले भी बताई है, जब भी घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, पहली बार कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कर रहे हो ना, जैसे फिजिक्स की बात करें तो जब तुम एससी वर्मा सॉल्व कर रहे हो तो आराम आराम से सॉल्व करो, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी ले लो एक क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है, सीख रहे हो कॉन्सेप्ट ना। जब पहली बार नोट्स पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आराम से पढ़ो, समझ रहे हो उस समय, पर जब तुम फिर और क्वेश्चंस बाकी प्रैक्टिस करते हो तो उनको फटाफट करो ना, बताया ना उनको, ऐसे नहीं करना कि एक क्वेश्चन सॉल्व करा फिर आंसर देख रहे हो। सोच लो भाई, दिमाग में सोच लिया भाई 1 घंटे का टाइम है, 20 क्वेश्चन करने, 25 क्वेश्चन करने, 30 घंटे क्वेश्चन करने, टारगेट ले लो।
अब एक घंटे में वो 30 क्वेश्चन पहले खत्म करो, करने ही अब उसे एक घंटे में 30 क्वेश्चन खत्म। एग्जाम में जिस तरह से सॉल्व करते बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करो, इससे दो फायदे होंगे। तुमने क्या सोचा कि एक घंटे में 30 क्वेश्चन करने, तुमने कर लिए, अब क्या करोगे, अब उसका पीछे जाके चेक करो कि कितने सही हो, कितने गलत हो, कितने तुमने छोड़ दिए। अब जो सब हो गया फिर उनको करेक्ट वगैरह करो, आधा घंटा और लग गया मान लो, समझ रहे हो। इस तरह से तुम्हारे डेढ़ घंटे में 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर तुम बिल्कुल नॉर्मल आराम से चल रहे हो ना, तुम उतना भी नहीं कर पाओगे, उससे कम ही करोगे। तो जब भी तुम टारगेट लेके ऐसे स्टडी करोगे कि भाई इस एक घंटे में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, तो एक तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, ओवरऑल स्पीड तुम्हारी इंक्रीज होगी। दूसरा, तुम्हारा जो बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है ना कि एग्जाम में जाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन करके आते हैं तो बहुत सारी सिली मिस्टेक हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, घर पे आते हैं तो फिर सॉल्व हो जाते हैं। मतलब सेम क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आ गए या छोड़ के आ गए, और जब घर पे आके देखते हैं तो वो सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे जब समझो, जब ऐसी चीज़ होती है तो दिक्कत कंसेप्ट वाली नहीं होती, दिक्कत अलग तरह की होती है। या तो तुम प्रेशर में सॉल्व करना नहीं जानते, या फिर हड़बड़ा जाते हो, या फिर जल्दबाजी के चक्कर में सिली मिस्टेक्स कर देते हो, या फिर स्पीड कम होती है। तो जब तुम घर पे इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे तुम्हारी सही होने लगेंगी। तुम्हें पता रहेगा आज घर पे मैंने जब 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे एक घंटे में, तो उनमें इतनी गलती कर दी थी, 3 क्वेश्चन में मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। अरे क्यों कर दी भाई, सुधारो। अब सोचो कि अब ये कैलकुल जब मिस्टेक कर दी तो अगली बार कैसे ना हो, अगली बार तुम्हें दिमाग में क्या रखना है, ये चीज़ दिमाग में रखते हुए चलना है कि इस तरह की सिली मिस्टेक्स मैं करता हूँ, जब भी जल्दबाजी होती है ऐसी गलती मैं कर देता हूँ, तो अगली बार तुम्हें उस तरह की गलती नहीं होने देनी। तुम्हें पहले तो अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है। मैं तुम्हें स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, जितने भी एग्जाम होते हैं उनका एनालिसिस बना के रखना है। एनालिसिस मतलब बिल्कुल प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, लिख के रखना कि भाई इस 10 तरह की सिली मिस्टेक्स मैं करता हूँ। पहले बार जब एग्जाम हुआ था तो ये पर्टिकुलर टाइप की इतनी इतनी मिस्टेक मैंने इतनी इतनी बार करी, दूसरी बार इतनी इतनी करी। अब वो जब तुम चार्ट बनाओगे 5-6 एग्जाम के बाद, तो तुम्हें दिखना चाहिए कि भाई जो इस तरह की सिली मिस्टेक है, जैसे कई बार हो जाता है कि भाई कैलकुलेशन में छोटी मोटी गलती कर देते प्लस माइनस वगैरह की, तो इस तरह की सिली मिस्टेक जो मैं कर रहा था क्या वो अभी भी चल रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, कम हो रही हैं, क्या हो रहा है। अगर वो कम नहीं हो रही, वो हर एग्जाम में तुम 2-3 ऐसी गलतियां करके आ रहे हो, तो तुम्हें पता है दिक्कत तुम्हारे साथ है। तुम्हें पता है तुम गलती कर रहे हो, उसको सुधार नहीं रहे हो, तो उसको अभी सुधार के खत्म कर देना, उसको फाइनल एग्जाम के लिए इंतजार नहीं रखना करना है अभी तुमने, क्योंकि अब तो तुम्हें हो चुका ना 1 साल से ज़्यादा। अब तुमने जितनी गलतियां सही कर ली तो कर ली, अगर अभी भी नहीं करोगे तो फिर फाइनल एग्जाम में भी तुम वही गलतियां करके आने वाले हो। जिनको सही करना है वो अभी तक सही कर लेंगे, अब वो टाइम है, अब ध्यान दो। अब तुम बिल्कुल पूरे सिस्टम के साथ अडेप्ट हो चुके हो, तो जो भी गलतियां करते हो उन पर फोकस करो, एक बार सोचो, और जब तुम फिर अगला एग्जाम जाते हो देने, तो दिमाग में रखो एग्जाम देने से पहले सोचो 5 मिनट के लिए कि भाई इस तरह की गलतियां मैं करता हूं और किस तरह से मैं अवॉइड करने वाला हूं इस तरह की गलतियां इस एग्जाम में। जब एक बार तुम दिमाग में ऐसे सोचोगे, अलर्ट हो जाओगे पहले से ही, तो बिल्कुल चांसेस कम हो जाएंगे तुम्हारी गलतियां होने के। फिर जाके घर पे एनालाइज करो इतना अलर्ट होने के बाद कि अभी भी गलती हुई है, और हुई है तो कौन सी हुई है, अब किस तरह से अवॉइड करना है उसको, ठीक है क्या। और देखो ये गलतियां इसलिए भी हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में, कई बार बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, आधी से ज़्यादा कैलकुलेशन दिमाग में कर लेते हैं। सही बात है, अगर करते हो तो अच्छी बात है, पर तुम्हें याद रखना है तुम्हें स्पीड उतनी ही रखनी है, तुम्हें स्पीड उतनी ही बढ़ानी है जिसमें 100% एक्यूरेसी आए। तुम्हें एक्यूरेसी को कम करके स्पीड को नहीं बढ़ाना है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तुम जिस भी स्पीड में सॉल्व करो, मैं कह रहा हूँ एक घंटे में 30 करो ही, मैं तुम तो कोई 25 क्वेश्चन निकाल लो, 20 क्वेश्चन निकाल लो, सेलेक्ट कर लो कि भाई सॉल्व करने हैं, पर उनको 100% एक्यूरेसी के साथ करके आओ। 30 क्वेश्चन आए ना, 20-25 वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आते हैं, उनको पूरा सॉल्व करो। थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो कोई बात नहीं, पर जिस क्वेश्चन को सॉल्व करके आओ वो 100% श्योर हो जाए, भाई अब ये सही है, इसको मैंने कर दिया है तो ये सही ही है क्वेश्चन, ऐसे करना है तुम्हें। ये नहीं कि भाई ये तुम्हें दिख गया ये क्वेश्चन, ये तुम्हें आता था, पर क्योंकि तुम्हें उसको 2 मिनट में ही सॉल्व करना था, बहुत जल्दी सॉल्व करना था, तो तुमने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, कैलकुलेशन कुछ गलत करके आ गए, उसको 2 मिनट की जगह 2.5 मिनट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम श्योर होने इस क्वेश्चन के बारे में होने वाला है तुमसे। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दो, 5 या 10 सेकंड ज़्यादा दे दो, कैलकुलेशन को थोड़ा सा लिख दो, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है गड़बड़ हो सकती है, 3-4 चीज़ें मिक्स हो रही हैं कैलकुलेशन करते वक्त, थोड़ा सा लिख दो ना, पर फाइनली सही करके आओ। और क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ लो कि पूछा क्या है, कई बार यही गलती हो जाती है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछते हैं हम, राइट मार के आ जाते हैं, इंटीजर टाइप में कुछ वो 8/L वगैरह इस तरह से कुछ करके दे देते हैं, वहाँ पे गलती कर देते हैं, तो थोड़ा सा और अलर्ट हो जाओ। तुम देखोगे तुम सेम तरीके जो सिली मिस्टेक्स बोलते हो ना, उनको तुम कैटेगराइज कर पाओगे 8-10 में, और हर बार तुम वही गलतियाँ करते हो, रिपीट करते हो। ऐसा नहीं है कि हर बार तुम नई तरह की गलतियाँ क्रिएट कर रहे हो, 8-10 तरह की गलतियाँ होती है, वही बार बार सब बच्चे कर रहे हैं। कैटेगराइज कर लो एक बार, दिमाग में बिठा लो, अगले एग्जाम जाने से पहले उनको देख लो भाई इस तरह की गलतियाँ होती हैं, अपने आप अलर्ट हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएंगी, पर करना पड़ेगा एनालिसिस प्रॉपर। ऐसे हवाबाजी में नहीं होगा, बस जाके देख ले रही ये गलती कर दी, ठीक है रो लिए थोड़ा, चलो अगली बार,
कुछ करना पड़ेगा उसके बारे में, ठीक है। ये आ गया समझ में? तो दो तरीके एफिशिएंसी, एक एफिशिएंसी तो इससे हो जाएगी, दूसरी एफिशिएंसी तो मैं मेंटल जो तुम्हारा एनर्जी है उसको कम करना पड़ेगा ना, एक्टिवनेस बढ़ानी पड़ेगी।